हम लोग चीजों को बड़े इमोशनल होकर देखते हैं, छोटा सा मुल्क है उसको क्यों मारा, तो ये भी तो 20 करोड़ का है पड़ोस में। अरे यूपी वालों, तुम तो जानते होगे कि आपकी तो टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, वहां की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, आप 24 करोड़ हो। उसने अपने राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए न यूएनओ की सुनी, न सिक्योरिटी काउंसिल की सुनी, घर में घुस के मार रहा है, दुनिया चिल्ला रही है, चिल्लाते। क्या अमेरिका ने इराक में घुस के नहीं करा? क्या लीबिया में नहीं किया? क्या वियतनाम में नहीं किया? राष्ट्र जिनका सर्वोपरि होता है वो दुनिया के किसी नियम को नहीं मानते। इसलिए आप जब देश की बात करते हैं तो देश बहुत छोटा लगता है, इसलिए आप कहते हैं मैं देश के लिए जान दे दूंगा। कोई आपकी जान नहीं मांग रहा देश के लिए, और आप जान दे भी नहीं सकते देश के लिए। देश को चलाने का मैंने आपको एक एक विधान बताया, उसी से देश चलता है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरे आदर्शों से, मेरी परंपराओं से, मेरी आस्थाओं से, मेरे सरकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है, सरकार नहीं चलाता। इसलिए आप ये चाहते हैं सनातनी हिंदू समाज कि राष्ट्र भी सरकार चलाए, और यहीं से बीमारी शुरू होती है। आपके मंदिर आपकी आस्था का केंद्र है, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी कौन रक्षा करेगा, उसकी रक्षा उस मंदिर का पुजारी और उस मंदिर के भक्तों के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए जब गुजरात के अंदर कुछ आताताइयों ने एक मंदिर के ऊपर हमला किया तो मंदिर के पुजारियों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उस मंदिर के भक्त, उसमें पूजा करने वाले लोग नहीं आए, क्योंकि उनको यह बोध नहीं था। उनको तो बोध था यह तो सरकार का काम है, सरकार करेगी, सरकार का काम क्यों है भाई? और सब कुछ सरकार पे छोड़ा, इसलिए उसने देश के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा बता दी कि अब सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनने वालों ने बताया है कि हिंदुत्व से कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनने वाला जज बताएगा कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व में कोई परिभाषा, कोई मान्यता, परंपरा के ऊपर कोई ज्ञान देना है तो सिर्फ शंकराचार्य के अलावा कोई नहीं दे सकता, वही अंतिम है। इसलिए हम लड़ाई गलत लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी चाटुकारता और कायरता ने इस देश के लाखों मंदिरों का अधिग्रहण किया। मंदिर सरकार के कब्जे में है, हर जिले का एक डीएम उसका केयरटेकर है, और इस देश में कई डीएम जिहादी भी हैं, वो भी केयरटेकर हैं। और आपकी खामोशी और मंदिरों को चलाने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने जिस काम के लिए गुस्सा दिखाना था, सड़कों पे आना था, वो नहीं आए। उन्होंने कहा ये लड़ाई हमारी क्यों है, जब हो जाएगा तो ठीक है, आजकल 10 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए में काम चल जाएगा। ये रुपए की बात नहीं थी। देवस्थानम बोर्ड तिरुपति, बहुत लोग गए होंगे, 1,300 करोड़ रुपया सालाना सरकार वहां से लेती है। वैष्णो देवी से 520 करोड़ रुपया सालाना सरकार लेती है। राजस्थान में अभी एक युवा लड़की ने, उनकी मां सांसद थी, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, उनकी बेटी एमएलए बनी। देखिए उस युवा को देखिए, उसने विधानसभा में, राजस्थान का एक मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर सवाल पूछा सरकार से कि ये बताइए कि इस मंदिर का कितना चढ़ावा आता है और इस मंदिर से हिंदुओं को या
या इस मंदिर के ऊपर कितना खर्च होता है, इतना ही तो करना है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने युवाओं से आज की डेट में आरटीआई डालने में पैसे नहीं लगते हैं। आरटीआई सिर्फ आपके ईमेल के माध्यम से भी चली जाती है, लेकिन सरकारी नियम है कि उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब वो देना पड़ेगा कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में उस आरटीआई की रिप्लाई लगा दी तो वो मान्य होगी, कोई झूठा जवाब नहीं दे सकता। इतनी आरटीआई डाली है पूरे देश में, हजारों लाखों मंदिरों पर पूछिए कि हमारे इन मंदिरों पर जो चढ़ावा आता है सरकार उसका करती क्या है। उस बेटी ने पूछा, सरकार को जवाब देना पड़ा कि 75 करोड़ रुपया सालाना आता है, लेकिन हम इस मंदिर के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करते, हम विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं। ये योजना कौन सी है जो सनातन के दान के, जो वो अपने इष्ट देवता के दान में देती है, उस मंदिर के कल्याण के लिए देती है, उस पुजारी के परिवार को चलाने के लिए देती है, उस मंदिर की व्यवस्था बनी रहे इसलिए देती है, और इसलिए भी देती है कि वो मंदिर जिस इलाके में है अगर वहां कभी कोई संकट आ गया तो मंदिर के पास जो रात के 2 बजे चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित जो भूखा आया है वो वापस ना जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप बोले नहीं, स्वार्थों से भरा हुआ सनातनी हिंदू समाज आज अपनी आस्थाओं का अरबों रुपया, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, अब तक किसी के हाथ भीख नहीं मांगना पड़ता, किसका बच्चा ब्राह्मण है ठाकुर है उसकी जाति क्या है, ये रिजर्वेशन की रेवड़ियां बांट करके आपको जो अपंग बनाया गया आपने उसकी पैरेलल व्यवस्था नहीं बनाई। आप जागृत होते तो ये सवाल करते, ये लड़ाई लड़ते, जग में लोगों को बताते, लोगों में एक जागृति पैदा होती। लेकिन ठेकेदार बहुत है इस देश में, ज्ञान दिलवा लो उनसे, लेकिन अगर लोग समझदार हो गए तो ये बंधुआ मजदूर हमें कहां मिलेंगे जो हमारा प्रवचन सुनने आए। इसलिए ऐसी कोई बात मत बताओ। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो भारत का संविधान है जिसे लोग दिन रात इसकी दुहाई देते हैं, क्या कभी इस संविधान को आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने कहा महापुरुषों की जयंती जब मनाएं तो इसलिए न मनाएं कि इनके नीचे फोटो खिंचवाने से 4 वोटर बढ़ जाएंगे। महापुरुषों ने जो ऐसे काम किए जिसको छुपा दिया गया, उन्हें अगर आप बाहर ले आएंगे तब उन महान भावों के प्रति आपकी क्षति श्रद्धांजलि होगी। इस तरह के संविधान में उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। भारत के संविधान का पहला पेज देखा है कभी आपने? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाइए। जो ओरिजिनल संविधान है भारत, हमारे पूर्वज कितना बड़ा काम करके गए ताकि आप कहीं आपके पैर ना फिसले और आप मजबूती से खड़े रहे। भारत के संविधान के पहले पेज की पहली लाइन क्या लिखी हुई है आज के बच्चों को बताइए। जो बच्चों को आपने समझा दिया है मंदिर जाना, ये जाना, ये सब बेकार के काम है, साइंटिफिक होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भारत के संविधान के पहले पेज के ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन इसका असली मतलब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो कहा मेरे लिए वो महत्वपूर्ण, ये उन दो लोगों की बातचीत। उनको नहीं पता था कि 70 साल के बाद भी इस देश में लोग आएंगे जो संविधान संविधान की बात करेंगे, कुछ पर्चे तो पलट लेते कम से कम। जब अंबेडकर ने कहा इसको हमने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो लोग इंडिया को जानते हैं, ये 1947 में आया, इसके अंदर विदेशी देशों से कहां कहां से हमने कुछ कुछ चीजें लेकर के इसको बना दिया है, लेकिन भारत कहां है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मशवरा दिया और ऐसा मशवरा दिया कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन मुझे न मैं उनको जानता ना उनका कोई दूर दूर तक लेना, लेकिन जब भी याद करता हूं, जब भी उस फिलॉसफी को उस थॉट को सुनता हूं उसे देखता हूं, तो लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने उस ऐसे हालात में जब कुछ बात कहना बहुत खराब माना जाता था, तब भी आज की युवा पीढ़ी को अपने उस दानिश्वरी से खामोशी से चीजें लिख के चले गए, बता के चले गए, हम इतने डरपोक और कायर और लाचार लोग हैं कि उसको निकाल के देख भी नहीं रहे, उसे देख लेते तो कई सौ सवालों का जवाब मिल जाता। उस संविधान के पहले पेज के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मंत्रणा की कि हम भारत को चित्रों के माध्यम से इस संविधान में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए नंदलाल बोस को शांति निकेतन बंगाल से बुलाया गया और उनके साथ में 5 लोगों की टीम थी। मध्य प्रदेश में जबलपुर नाम की एक जगह है, उस जबलपुर में एक साहब रहते थे, 2007 में उनका देहांत हुआ है, उनका नाम था राम मनोहर बिहोर। उनके बनाए 12 चित्र और कुल मिला के 22 चित्र भारत के संविधान में है कि भारत की परंपरा में हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे राज चलाने का सिस्टम कैसा था, उसके पहले पन्ने पर जिस पे आज बड़ा बवाल हो रहा है। हम इस बवाल से समझ रहे हैं, वो समझा होता तो इसका महत्व आपको समझ में आ जाता। संविधान के पहले पन्ने के ऊपर नंदी बना हुआ है, उसके पेज नंबर 3 पर श्रीलंका से रावण से युद्ध जीतने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है, भगवान कृष्ण की तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर है, रानी झांसी की तस्वीर है, शिवाजी की तस्वीर है। अगर हमारे बच्चों ने, इस पीढ़ी ने संविधान में जो हमारे यहां का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है और हमारे पूर्वजों ने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भारत के संविधान में बनाई होती तो एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इस्लामिक जिहादी कम्युनिस्ट तलाक, वो किताब जिसके पढ़ा करके हिस्ट्री की इस देश में बच्चे आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं, उस किताब में ये नहीं पढ़ाया जाता कि छत्रपति शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये बच्चे सवाल पूछते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने न संविधान के बारे में बताया, इसलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वो प्रोफेसर जो रिटायर हो गया, जो पिछले कई सौ सालों से अपने ऊपर एक मुखौटा डाले था कि मैं कम्युनिस्ट हूं, पता चला कि उसी की किताब लिखी और वही किताब पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे और आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए शिवाजी को उन्होंने पढ़ा है कि वो एक पहाड़ी चूहा था, उनको नहीं पता कि अगर शिवाजी पहाड़ी चूहा था तो जिस जिहादी ने वो किताब लिखी और जिस जिहादी देश के पहले शिक्षा मंत्री के माध्यम से वो तमाम चीजें चलाई गई, अगर उन्हें पता होता कि संविधान में शिवाजी बने हैं तो शिवाजी को उसका भाव बदल जाता और गले गले वो सवाल पूछता, लेकिन नहीं पता। एक लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ने का अगर आपका मन है तो आप सड़क चलते हुए आदमी से भी अपना काम करा सकते। अगर आपका एजेंडा यह है कि इसका क्रेडिट मुझे मिले, मेरा नाम लिखा जाए, दुनिया में जितने महापुरुष हैं उनका नाम कहीं नहीं लिखा है, वही महापुरुष हैं जिनका नाम लिखा हुआ है लोग उन्हें जानते थे। अगर बस चलता तो राम के नाम की कोई सड़क है क्या? कोई सड़क नहीं है, अनादिकाल से जीवित है। जिनकी सड़कों पे पत्थर लगते हैं वो पत्थर कब टूट जाते हैं पता भी नहीं चलता, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जोर दीजिए उस पर जो आपका आदर्श है, इसलिए आपने आदर्श को छोड़ा और चाटुकारों को पकड़ लिया।
इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया और देश के 32,000 मंदिरों के ऊपर सरकार ने सहमति के साथ ये कहा कि इन मंदिरों की जो हैसियत 15 अगस्त 1947 को थी उसको बदला नहीं जा सकता। हमारे पूर्वजों के जीते जागते मंदिरों को एक सरकार ने बना दिया और हम चुप बैठे रहे क्योंकि हमको दुकान चलानी है, हमको राष्ट्र नहीं बचाना है। हमारा राष्ट्र से कोई सरोकार, दुकान बड़ी है राष्ट्र। इसलिए आज फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के जो स्टूडेंट यहां बैठे हो, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हो, एनर्जी हमेशा फ्लो करती है, उसे रोक नहीं सकते हैं आप। आज पूरे देश में, दुनिया भर से पिछले 1,000 साल से ये कभी यहां से ज्ञान चला गया, लंदन चला गया, लंदन से फिर कहीं और चला गया और पूरी दुनिया में वो ट्रेवल कर रहे हैं। जिसे आप एनर्जी कहते हैं, फिजिक्स और साइंस के बच्चे पढ़ें इस बात को, एनर्जी ट्रेवल करती है। ये बात आपके सामने पूरे दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा रायबरेली में कभी वोट मांगने नहीं आना है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप में से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन मेरी कोई बात बिना तथ्यों पे कसे हुए सवाल मत उठाइए। ये एनर्जी जो फ्लो हो रही है, मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं खड़ा हूं, विष्णु अपनी मर्जी से बड़ौदा में नहीं है। आरएसएन जीडी जो रिटायर हो गए, जिनके पास कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, शांति से रह सकते हैं, क्या वजह है कि इस देश में कुछ लोग चारों तरफ घूम रहे और अपनी बात कह रहे और ये एनर्जी यहां से होते हुए यहां से तो लोग देवियों की मूर्ति चुरा के ले गए, हम तब भी नहीं बोले, लेकिन क्या वजह है एक पार्टी की अध्यक्ष इस देश में मूर्तियों की स्मगलिंग करती है। सब तथ्य हैं लेकिन सब चुप हैं क्योंकि हाथ कौन डालेगा। तो कहा गया कि भाई हर घर तिरंगा, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पर तो ईडी का लगा हुआ है तिरंगा, तो अभी तो कुछ कहा नहीं है। ये यकीन मानिए, ये जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, ये मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा, ये आपकी एनर्जी मुझे शक्ति से बुलवा रहा है। मैं अपनी शक्ति से नहीं, इसलिए ये बात मैं कोई अंधविश्वास में नहीं कह रहा। ये जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, न यहां कोई फिल्म शो है, न कोई फिल्म स्टार है, न कोई इंटरटेनमेंट है, लगातार आपके मस्तिष्क को झंझोड़ने वाली बात, आपको बुरी लगने वाली बात आपसे लगातार मैं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी आप यहां बैठे हैं, कोई एनर्जी है जो आपको यहां लाई है। इसलिए ये एनर्जी जब फ्लो करके पहुंच रही है, उसी का प्रताप है कि 450 साल से कुछ जिहादियों ने, आताताइयों ने, आतंकियों ने भगवान विष्णु के ऊपर एक मस्जिद बना करके कहा ये ज्ञानवादी मस्जिद है। 450 साल इसी दौर में ये शिवलिंग बाहर आया है, ये उस एनर्जी का कमाल है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर था तो मर्यादा निभाई गई, लेकिन अगर 450 साल के बाद शिवलिंग ने अपनी अच्छी सही जगह बताई है और आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो ज्यादा आपको साइंटिफिक लगे। बनारस में, काशी में, क्या आपको यह सिर्फ पॉलिटिकल लगता है? एक आदमी जिस राज्य की टोटल गिनती 5.5 करोड़ हो, जो नमक से ज्यादा मीठा खाना खाते हो, फौज में न जाते हो, सब बिजनेस करते हो, उन लोगों ने 1947 में एक गलती की थी, 1947
47 की उस गलती का प्रायश्चित उस राज ने 2014 में करा। ये आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं, आपका अगर जहन चलता है और आपको पॉलिटिक्स समझ में आती है तो वैसे भी देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो जबानी नहीं जानता, जो खान पानी नहीं जानता, इस इलाके का नहीं है, वो वहां से चल के काशी से चुनाव क्यों लड़ता है, क्या वजह है? दो ही चुनाव लड़े और उस काशी के अंदर जिस मंदिर को एक इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने तोड़ा था, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से सब हो रहा है। मराठाओं की एक बेटी जिसका जीवन काल बड़ा तकलीफ में गुजरा, बहुत कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई, शादी के बाद की मृत्यु हो गई, लेकिन वो रानी थी इंदौर की, सारे राजकाज के काम उसने किए। वो इंदौर से चल करके उस बेटी को उसकी शादी में जो मुंह दिखाई के सिक्के मिले थे, चांदी के, सोने के, जो भी, आप जरा सोचिए कि क्या आज हमारे पास ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। उस इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर कहां इंदौर कहां मराठा, वहां से चलकर काशी गई और औरंगजेब ने जिस शिव मूर्ति को तोड़ करके ध्वस्त किया था, उस टूटे हुए शिवलिंग को ठीक करके वहां रखा जहां आप पिछले 240 साल से पूजा कर रहे हैं, वहां रखा, पूरा जीर्णोद्धार किया। फिर शिवाजी आए, उन्होंने बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया। यह अहिल्याबाई होलकर को नहीं बता रहा होगा कि 2014 में गुजरात से कोई जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और उसके बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा और फिर उसी काशी की नगरी में जहां बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर को तोड़ दिया गया था उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे आज वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते थे। उसको नहीं पता रहा होगा अहिल्याबाई होलकर जी को कि आज अहिल्याबाई होलकर उस मंदिर के ब्राह्मण में एक आदमकद मूर्ति की तरह खड़ी हुई, ये नहीं पता। 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर के जीर्णोद्धार के बाद उस बनारस काशी के महत्व को समझते हुए जो जीर्णोद्धार इस सरकार के इस मुखिया ने किया है, आप होनी देखिए, आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ। बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ, नहीं मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ, अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, मैं उसी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। आप सोचिए कि जब उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, वहां आरती सब कुछ चलने लगी, इसे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं।